हेलो एवरीवन, मनोज चौहान दिस साइड। और एक बार फिर मैं आप सभी के सामने एक लाइव बूस्टर अल्फाबेट को लेकर आया हूं। और आज का जो अल्फाबेट है दैट इज कॉल्ड पी। पी हमें कहता है पैशनेट रहने के लिए, जुनून से भरा हुआ रहने के लिए। कहते हैं, मैं अपनी मीटिंग्स और सेमिनार में हमेशा एक बात बोलता आया हूं, ना तो गर्मी जून में होती है, ना ही गर्मी खून में होती है, गर्मी सिर्फ और सिर्फ जुनून में होती है। माय डियर फ्रेंड, पैशनेट रहिए अपने काम के प्रति, अपनी स्टडी के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति, जिस भी चीज से आप जुड़े हुए हैं उसके लिए जुनून से भरे हुए रहिए हमेशा। क्योंकि सफलता पागलों की निशानी जो है ना, सफलता जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ जुनूनी और पागल लोगों को मिलती है। दूसरी अगर मैं बात करूं, दैट इज कॉल्ड पेशेंस। धैर्यवान रहिए, धैर्यवान। धैर्यवान का मतलब यह है कि जितना आपका जुनूनी होना जरूरी है उतना धैर्य भी रखिए। आदमी कई बार क्या करता है, पूरे 6 महीने जुनून के साथ काम करता है लेकिन सक्सेस उसकी 8वें महीने थी, बट उसे पहले ही छोड़ के चला जाता है। धैर्य भी रखना बहुत जरूरी है क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती। कहीं कहीं पर पानी 50 फुट पर है, कहीं कहीं पर पानी जमीन के नीचे 100 फुट पर है, कहीं पर 200 फुट पर है। आपको पानी को लेने के लिए उतना तो खोदना ही पड़ेगा, बट पानी निश्चित है नीचे। तीसरी बात कही जाती है, पी हमें बोलता है पॉजिटिव। आपका पॉजिटिव होना आपकी पूरी सक्सेस को डिजाइन करता है। आप कितने पॉजिटिव हैं अपने आप को लेकर, कितने पॉजिटिव हैं अपने प्रोफेशन को लेकर, कितने पॉजिटिव हैं अपनी स्टडी, अपनी फैमिली, अपने रिलेशंस, हर चीज को लेकर आप कितने पॉजिटिव हैं। सो आपकी लाइफ में एक बूस्टअप तभी आ सकता है जब आप हर चीज को पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। अगर आप पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये आपकी जिंदगी का सबसे अहम स्टेप है जिसको आप क्लियर कर लेते हैं। क्योंकि कामयाब लोगों की पहली पहचान जो होती है वो यही होती है, वो हर चीज के अंदर पॉजिटिविटी पे ज्यादा फोकस करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, एंड ऑलवेज रिमेंबर ओनली वन थिंग, द लाइफ इज योर्स, टाइम इज योर्स, एंड चॉइस विल बी योर्स। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।